हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, हम सभी ने मिलकर लास्ट क्लास में सेवन्थ चैप्टर सॉरी टेंथ चैप्टर साइंस का प्रॉपर तरीके से फिनिश कर लिया था और आज हम सब उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ने जाएं। और बच्चों, इसके न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा फायदेमंद हैं, इतने ज़्यादा फायदेमंद हैं इनके न्यूमेरिकल्स, जो पेपर में एग्जाम में काफी हद तक अपने वेटेज कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में लॉजिक के साथ साथ न्यूमेरिकल भी उतना ही मैटर करता है, ठीक है, जितना इस चैप्टर के हर एक पॉइंट से कवर किया जा सके। इस चैप्टर के अंदर हर एक पॉइंट पे फॉर्मूला बन सकता है और हर एक फॉर्मूले से एक क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए इस बार जो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, वो पीडीएफ भी लगभग 31 क्वेश्चन है उसमें, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों आपको कवर करने हैं। मैं एक एक करके करवा रहा हूँ, ठीक है? तो पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। और बाकी क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं न्यूमेरिकल का। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपने न्यूमेरिकल के फॉर्मूले जितने भी होंगे, मैंने लास्ट क्लास में कहा था फॉर्मूले रिवाइज करके रखना, तो आप सभी ने फॉर्मूले रिवाइज कर लिए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अ कनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, व्हेन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज विच इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, आपसे कहा गया कि भाई एक कनकेव मिरर है, ठीक है जी, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अब कह रहा बताओ, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करें? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। कह रहा कनकेव मिरर के अवतल दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाए, वस्तु को कहां पर रखा जाए कि उसे प्रतिबिंब जो मिले, इमेज जो मिले, वो रियल मिले, वास्तविक मिले, इन्वर्टेड मिले, उल्टा मिले, और साथ ही साथ सेम साइज का मिले। तो बच्चों याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कनकेव मिरर में पी एफ सी, हमने क्या सीखा था कि अगर मैं सी पर ही ऑब्जेक्ट रखता हूं, सी पर ही ऑब्जेक्ट रख देता हूं, तभी मुझे सेम साइज का इमेज मिलेगा। यही सीखा था बच्चों हमने, यही सीखा था ना हमने कि हमें सेम साइज का इमेज बच्चों तभी मिलेगा जब हम लोग इसे सी पे रखेंगे। किस पे रखेंगे? सी पे। अब बताइए, आपको फोकस पहले से ही कितना दे रखा है? 10। और अच्छे से बताइए कि अगर आपकी फोकल लेंथ आपको दे रखे 10 सेंटीमीटर, और आपको अच्छे से पता है कि एफ बराबर, हाँ जी, एफ कनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है? माइनस का होता है। और बच्चों हमें ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है? सी पे रखना है। तो आपको पता ही है सी क्या होता है, नेक्स्ट 10 होगा। मतलब क्यों? क्योंकि पी से लेके एफ तक और सी से लेके एफ तक दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। और पी से लेके सी तक की दूरी को क्या कहते हैं भाई? आर। तो नाउ आर इज इक्वल टू क्या होता है? 2f। तो आर बराबर 2f - 10, इट मींस आर बराबर -20। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को बच्चों 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा ताकि उसे सेम साइज का रियल इन्वर्टेड इमेज मिले, बराबर आकार का वास्तविक और क्या मिले? उल्टा प्रतिबिंब मिले। तो कहां पर रखेंगे बच्चों हम? सी पर। और सी कितनी दूर है? 10 + 10 = 20। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंस। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पे रखा गया, चार अलग अलग डिस्टेंस पे रखा गया, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। लो जी, फोकल लेंथ, हिंदी में फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ, ये कितनी दूरी पे रखा गया है? 10 पे। और आपको पता है कनकेव मिरर में फोकस होता है माइनस का। अब कह रहा है यू को चार अलग अलग पोजीशन पर रखा गया है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ठीक है, दर्पण
और वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु के बीच की, बच्चों वस्तु के बीच की दूरी कितनी है जल्दी बता दो बच्चों। चार अलग अलग दूरी है, चार अलग अलग दूरी है, ठीक है। तो मैं इसको चारों अलग अलग केस में, अगर मैं फर्स्ट केस करा रहा हूं तो यू ले लेता हूं भाई माइनस का 8, तो कह रहा बताओ वी कहां पे बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक है जी। वन अपॉन एफ, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, ये होता है मिरर फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला होता है? मिरर फॉर्मूला। फोकस दे रखा है आपको -10, वी हमें पता नहीं, यू दे रखा है हमें -8, माइनस का 1/10 वी, प्लस माइनस 1/8, माइनस का 1/8 इधर आके प्लस का 1/8, 8 इधर गया माइनस, 10 इधर गया प्लस, नीचे से नीचे मल्टीपल 80, वन अपॉन वी, 10 में से 8 गया 2/80, कट जाएगा इधर और क्या आएगा 1/40, तो 1/40 बराबर वी, और पलट देंगे वी बराबर 40। अब याद करो मैंने आपको कनकेव मिरर के अंदर 6 केस पढ़ाए और 6 में से मैंने आपको ये बताया कि भाई सिर्फ एक ही केस में वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और 5 केस में वी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और वी की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब किसको? जब हम लोग डिस्टेंस को पी और एफ के बीच में रखें। तो देखो डिस्टेंस, हाँ भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? -8, और फोकस का डिस्टेंस कितना है? -10। तो जरूर ये फिगर कुछ इस तरीके से रही होगी, पी एफ सी ये पूरा 10 है और जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 8 पे रखा गया है, तो जरूर ये ऑब्जेक्ट यहां पर होगा। तो पी और एफ के बीच में जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसा बनाता है? वर्चुअल इरेक्ट। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है जो वर्चुअल इरेक्ट को फॉलो कर रहा है? तो डी मिनिमाइज रियल, मिनिमाइज ये मैक्स मैग्नीफाइड रियल, मैग्नीफाइड लेकिन वर्चुअल। तो बस जहां पे भी वर्चुअल लिखा हो तो उसको फॉलो करेगा। तो यानी जो पहला पार्ट है बच्चों उसका आंसर है ऑप्शन सी। उसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कि कैसा बनाएगा? बड़ा बनाएगा और साथ ही साथ कैसा बनाएगा बच्चों? आभासी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया आपके पहले पार्ट का आंसर। हाँ जी, सेकंड पार्ट का आंसर, एफ तो -10 है ही, लेकिन अब की बार यू कितना लेने के लिए बोला है? अब की बार यू लेने के लिए बोला है आपको 15, यानी कि माइनस का 15। तो फिर से लगाओ फॉर्मूला, वन अपॉन एफ वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, तो ये तो हो गया -1/10, वी हमें पता नहीं, प्लस यू कितना है? -1/15। तो ये प्लस माइनस -1/15 उठ के इधर आ जाएगा, प्लस का 15। भाई सॉल्व करेंगे, -15 सॉल्व करेंगे, 10 सॉल्व करेंगे 150, 15 में 10 गया माइनस का 5, 150 बराबर 1/V, 5 से काटेंगे 30, तो माइनस का 1/30 बराबर 1/V, पलट दोगे तो V बराबर -30। तो लो जी V माइनस में आ गया। अब माइनस में आ गया तो मतलब रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अब देखना ये है कि V U जो है ये प्लेस कहाँ पर हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे, ये रहा P, ये रहा F, ये रहा C। हाँ भाई F कितना है? 10 है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हुआ है? 15 पे। तो भाई जब 10 ये है तो 10 ये भी होगा, 15 यहाँ पर होगा, तो मतलब ऑब्जेक्ट जो प्लेस हुआ है वो सी और एफ के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? सी और एफ के बीच। और सी और एफ के बीच में हमेशा कैसा होता है? बड़ा बनता है और क्या बनता है? बड़ा बनता है और रियल बनता है। तो देखो मैग्नीफाइड और रियल देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो बच्चों मैग्नीफाइड और रियल लिखा हुआ है सेकेंड ऑप्शन में। तो इसका मतलब इसका जो है ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। वो आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, यानी सेकंड पार्ट का जो ऑप्शन है वो बी आंसर है, ठीक है। अब करो थर्ड पार्ट। हाँ जी, थर्ड पार्ट में अभी भी फोकस -10 है, लेकिन बच्चों यू आपको दिया हुआ है 20, यू दिया हुआ है आपको 20, तो बस बात खत्म। 1/F 1/V प्लस 1/U, 1/ माइनस का 10, वी निकालना है, माइनस का 20। हाँ जी, प्लस माइनस माइनस का 20, माइनस का 1/20 इधर आके 1/20 हो जाएगा। सॉल्व करो, -20 प्लस 10, नीचे से नीचे 200 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे को 200, 0 से 0 कटा तो कितना आ गया? -1/20 वी, पलट दो वी बराबर -20। अब देखो जितना यू है उतना ही वी है, मतलब जितनी दूरी पे यू बना हुआ है उतनी ही दूरी पे वी बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? सेम साइज और क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि जब यू और वी जब भी बराबर आ जाए तो याद रखना इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। तो बस यू और वी बराबर आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? जल्दी जल्दी देखेंगे कि भाई सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यानी ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन कौन सा डी, क्या लिखा है, एन इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का सेम साइज। हाँ भाई, तो यानी पहले का आंसर है सी, दूसरे का आंसर है बी और थर्ड का आंसर है डी, तो अपने आप समझ जाओ कि फोर्थ का आंसर क्या होगा, ए होगा, और ये आपको खुद सॉल्व करना है, तो जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताइए आंसर। नोट कीजिए इसको, वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर करते हैं थ्री, नोट करो इसे, क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं फिर। हो गया बच्चों, चलिए वीडियो पॉज करके ये कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे बोला गया, फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज जो है हमारे पास, यानी वी, ठीक है, हमें इमेज के बारे में नेचर भी पता करना है, उसका साइज भी पता करना है, पोजीशन भी पता करना है, और जबकि हमें दिया क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार। हाँ जी जल्दी बता दो, यानी एच ओ कितना दिया हुआ है, एच ओ हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और ये आपको पता ही है प्लस में होता ही है, ठीक है, एच ओ आप द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर। हाँ भाई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, हाँ जी, मिरर से डिस्टेंस मतलब यू, यू कितना दिया हुआ है आपको, यू दिया हुआ है आपको -15, ठीक है, मतलब क्या, वस्तु की दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी -15। अब दिया फोकस, फोकस दिया 10, ठीक है भाई, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, यानी कि एफ कितना दिया हुआ, -10, ठीक है। नाउ चलो भाई, अब आपसे बोला क्या है, नाउ क्या क्या निकालना है, एक तो साइज ऑफ इमेज निकालना है, मतलब प्रतिबिंब का आकार, एक तो ये निकालना है मतलब एच आई, एक निकालना है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर मतलब वी निकालना है, मतलब क्या निकालना है, वी प्रतिबिंब का दर्पण से, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी वी निकालना है, और एक तो इसका निकालना है नेचर, तो नेचर निकालते रहेंगे। नाउ चलो शुरू करते हैं भाई, 1/f 1/v प्लस 1/u, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये मिरर फॉर्मूला होता है। 1/f, f कितना, -10, तो माइनस तो ऊपर चला जाएगा, v, u कितना है, -15, 1/f, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1/15 इधर आके प्लस का 1/15, सॉल्व करेंगे -15 10, इसको इससे करेंगे 150 बराबर 1/v, और 15 में से 10 गए -5 बटे में 150 बराबर 1/v, 5 × 5 5 × 15 यानी कि -1/30 बराबर 1/v, पलट दो तो v बराबर -30, मतलब बच्चों v नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, अगर v नेगेटिव आ रहा है कनकेव मिरर में, तो इमेज जो बनेगी वो कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, ये सारी बातें हम लोग अपने बेसिक्स में कर चुके हैं। और अगर पॉजिटिव आता तो क्या बनता, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा, ये कनकेव मिरर के केस पढ़ रहे हैं हम। वी हो गया, अब कह रहा है कि आकार भी निकालो, नाउ तो आपको पता ही है -v/u एच आई अपॉन में एच ओ, ये है कि नहीं हमारे पास, माइनस वी, अभी अभी हमारा माइनस का 30 आया, अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है और ये माइनस इसकी वैल्यू का माइनस है, तो ध्यान रखना इस चीज का। और यू कितना है, -15, एच आई हमें निकालना है,
एच ओ हमें दिया हुआ है 1, माइनस है माइनस कटा, और माइनस 30 बटे में 15, और 1 कोई मैटर नहीं करता है, 15 दूनी, तो यानी एच आई की वैल्यू बनी माइनस 2, यानी 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आई बच्चों? 2 सेंटीमीटर। कर लो, करो फिर क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूं, जल्दी जल्दी नोट करो इसे। आज कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा मिरर खत्म करा देते हैं ना, फिर नेक्स्ट क्लास में लेंस शुरू करके लेंस खत्म करा दूंगा। चलिए बस वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए। इसमें भी बच्चों सेम यही निकालना है, तो इसमें मैं लिखूंगा नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो एच ओ बराबर 2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो आप बहुत प्यार से, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है कि इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, और यू दे रखा है आपको -16, तो यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, वस्तु की दर्पण से दूरी -16 सेंटीमीटर। अब कह रहा है मिरर प्रोड्यूस अ रियल इमेज, अब कह रहा है कि रियल इमेज दे रहा है और इमेज की हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर, रियल इमेज है। अब एक बार बताओ मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर। इस बात को इसने बोला है कि मिरर कौन सा है? कनकेव। और कनकेव मिरर के अंदर रियल इमेज हमेशा नेगेटिव होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा पॉजिटिव होती है, तो रियल इमेज की हाइट क्या होगी? -3 होगी, और अगर वर्चुअल होता तो कैसी होती? प्लस। ये सारी बातें हमने अपने बेसिक्स में पढ़ी है। तो कह रहा है बताओ इसकी फोकल लेंथ क्या है और वी क्या है। कह रहा है एक तो वी निकालो एक एफ निकालो, दो दो क्वेश्चन दिए गए। तो बताइए एच ओ वी और एच आई में आपको एक रिलेशन पता है क्या, कि माइनस वी अपॉन यू एच आई अपॉन में एच ओ, याद है फॉर्मूला? बिल्कुल। वी हमें पता नहीं, यू पता है जी -16, एच आई पता है जी -3, एच ओ पता है जी -2। हाँ जी, माइनस से माइनस कट गया, 16 यहां पे डिवाइड कर रहा है, यहां पर आके मल्टीप्लाई करेगा, 2 से कैंसिल करोगे 8, V की वैल्यू आ गई 8 + 24 मतलब -24। और V की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, V की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि बच्चों ये क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, वास्तविक और उल्टा है। कैसा है? वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है जी। और साथ ही साथ नाउ अब क्या कह रहा है? एफ भी निकाल के दिखाओ, तो ठीक है जी एफ भी निकाल देंगे, 1/v + 1/u, हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। तो भाई जब रियल इन्वर्टेड है और फोकस तो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो वी कितना? -24 + यू कितना है? यू तो पहले ही दे रखा है -16, तो 1/f माइनस, माइनस ऊपर ले जाते हैं बच्चों हमेशा याद रखना, +16। अब क्रॉस मल्टीपल करोगे तो बहुत ज्यादा लफड़े हो जाएंगे, तो सीधी बात है 24 का और 16 का, 24 का, 24 का 16 का एलसीएम आता है 48। क्या आता बच्चों? 48। कैसे? क्योंकि 24 2 जा 48 और 16 3 जा भी 48, एलसीएम का मतलब जो दोनों के टेबल में आए। तो 24 2 जा 48, तो 2 से मल्टीपल करेंगे -2, 16 3 जा 48, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3, और ये आ जाएगा आपका -2 -3 -5/48। पलट दो, f बराबर 48/5, माइनस अपनी जगह पे फिक्स, काटना है काट दो, तो f बराबर, हाँ भाई 5 × 45 और 3 × 0 = 6, तो यानी फोकस आ गया आपका 9.6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 9.6 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लो। A concave mirror produced 3 times magnified real image. अब बच्चों जल्दी से बता दो कि जब वो 3 times magnified real image है, तो concave mirror का जो magnified image होगा वो हमेशा कैसा होगा बच्चों? वो negative होगा। क्यों? क्योंकि real बोला इसने। क्या बोला है? Real। तो बस magnified मतलब क्या होता है? M। और अगर real बोल रहा है तो real है, तो 3 times मतलब -3। अब क्या बोला इसने? ऑब्जेक्ट प्लेस एट द 10 सेंटीमीटर, और यू जो है 10 सेंटीमीटर पर है, तो -10। तो कह रहा बताओ इमेज कहां बनेगी, यानी वी क्या है? तो एम इज इक्वल टू -v/u, यही फॉर्मूला है। एम की वैल्यू -3 क्यों ली?
क्योंकि रियल इमेज है और बड़ी भी है, ठीक है। माइनस वी, यू कितना, माइनस दस, माइनस से माइनस कट गया करेगा, और आपको अच्छे से पता है कि जब v की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो रियल और इन्वर्टेड होती है, तो इसका मतलब आपका इमेज कहां पे बनेगा बच्चों, 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। कहां पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर पे। क्या मेरे सभी बच्चों को समझ में आ गया कि मैंने m माइनस क्यों लिया? क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बोला गया है इसलिए माइनस, अगर वर्चुअल बोलता तो प्लस लेते। चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर 6 आप पे छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। 7 मैं कराता हूं, 6 आपको करना है, 6 आपको करना है, जल्दी नोट कीजिए इसको, जल्दी से फटाफट। हाँ जी बच्चों, चलिए देखिए जरा, ये तो हो गया ना, 6 आपको करना है, 7 कराता हूं। हाँ भाई, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई। लो जी, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। एचओ हमेशा पॉजिटिव होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है, सेवेंथ है। अब कह रहा है हाई इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब की बार लेकिन बच्चों मिरर हो गया है कन्वेक्स, अब की बार मिरर क्या हो गया है, कन्वेक्स, और कन्वेक्स मिरर में यू भी नेगेटिव ही होता है और एचओ ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात हमने पहले सीख रखी है। अब कह रहा है कि अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है। हां जी, अब देखिए कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, पी इधर, एफ इधर और एफ इधर और सी भी इधर, मतलब फोकस हमेशा पॉजिटिव, यू हमेशा नेगेटिव, वी हमेशा पॉजिटिव, एच आई हमेशा पॉजिटिव, एच ओ हमेशा पॉजिटिव, यही सीखा था हमने। किसमें, किसमें सीखा था, कन्वेक्स मिरर में। अब कह रहा है कि अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो यहां से लेकर सी तक का होगा ना, तो इसका मतलब आर भी कितना आ गया, प्लस का 30। तो कह रहा है बताइए कि इमेज की पोजीशन और इमेज की साइज क्या होगा, इमेज का पोजीशन और इमेज के साइज, मतलब एक तो वी क्या होगा और एच आई क्या होगा, ठीक है जी। पहले काम करो, आर बराबर दिया हुआ 30, आर किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है, बिल्कुल। 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा तो मेरा फोकस कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फोकस कितना आ जाएगा, 15। चलो जी, और फोकस मेरा प्लस में ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इस तरफ है, ठीक है। आ गया, मुझे निकालना भाई v, मुझे क्या निकालना है, v। नाउ अब ये बताओ u बराबर, ये आपको मिरर के बारे में पता है, माइनस v अपॉन में u बराबर एच आई अपॉन में एच ओ, होता है कि नहीं होता है, जी बिल्कुल होता है। अच्छा अच्छा सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला फॉर्मूला, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, ये फॉर्मूला मिरर का फॉर्मूला होता है ना बच्चों। फोकस मुझे पता चल चुका 15, वी मुझे पता नहीं, यू पता है मुझे माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस, माइनस की चीज उठ के इस तरफ आएगी, किसकी बन जाएगी, प्लस की, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 को 1 से करोगे 10, 15 को 1 से करोगे 15, नीचे को नीचे से करोगे
150 बराबर 1 बटा वी। भाई ये कितना हो गया, 25 बटे में 150 बराबर 1 बटा वी, 25 एकम 25, 25 सिक्के 150, पलट दो v बराबर 6, पलट दो v बराबर 6, ठीक है जी। अब v बराबर अगर 6 हो गया है, अगर v बराबर बच्चों 6 हो गया है, तो हमें v मिल गया, और देखो v प्लस में आ गया तो वर्चुअल इरेक्ट तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि v हमें प्लस में ही चाहिए। अब क्या चाहिए हमें, एच आई, एच आई भी प्लस में चाहिए। नाउ भाई माइनस वी अपॉन यू एच आई अपॉन में एच ओ, यही था ना कंसेप्ट। माइनस फॉर्मूले का है, वी है 6, यू है माइनस का 10, एच आई पता नहीं, एच ओ पता है, एच ओ कितना 5, माइनस है माइनस कट गया, 5 यहाँ क्या कर रहा है, 5 यहाँ क्या कर रहा है भाई, 5 कर रहे हैं डिवाइड, यहाँ के क्या करेगा मल्टीप्लाई, एच आई 5 दुनी 10, 2 से काटे 3, एच आई देखो कितना आ गया प्लस का 3, देखो एच आई आ गया प्लस का 3, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जल्दी कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूं, इसको नोट करो, चलो नोट क्या करो, क्वेश्चन नंबर 9 भी साथ ही साथ करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अ बीम ऑफ लाइट ऑफ पासिस फ्रॉम एयर इनटू सब्सटेंस एक्स, ठीक है, सब्सटेंस एक्स, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 72 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 40 डिग्री। लो जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 72 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 40 डिग्री, तो कह रहा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया है, साइन आई अपॉन में साइन आर, यही पढ़ाया है। आई आई कितना दे रखा है 72, साइन आर आर कितना दे रखा 40। अब आपको ना जब भी ऐसा कंसेप्ट आ जाएगा तो इसकी वैल्यू पहले से ही दी गई होगी। अब देखो इसकी वैल्यू क्या दी गई है, आपको साइड में लिख के दिया गया है कि साइन 72 डिग्री की वैल्यू होती है 0.951 और साइन 40 की वैल्यू होती है 0.642, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से पॉइंट और यहां से पॉइंट कट जाएंगे, एन बराबर 642, कितना आ जाएगा 642, किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, काटेंगे 3 3 जा 3 1 जा 3 7 जा, इससे भी काटेंगे 3 3 2 जा 3 1 जा 3 4 जा, अब भी किससे कट जाएगा, अब भी 3 से कट जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है नहीं कटेगा, 24 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब हम ऐसे ही सिंपल डिवाइड करके देख लेंगे, 317 214 214 ये आ जाएगा 130, पॉइंट लगेगा 0, 214 214 पंजे में भी नहीं जाएगा क्योंकि पंजे में ज्यादा हो जाएगा, चौके में चला जाएगा, तो यानी कि 800 और 14 चौक 56, ठीक है, तो 856 चार बारी में, तो ये कितना आ गया 14 चौक 56 यानी कि 856, और ये माइनस होगा 10 में से 6 गया 4, 12 में से 5 गया 7, और ये कितना हो जाएगा, इसको 10 में 6, 10 में 6 गया ये, और फिर ये कितना हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, और ये हो गया था कितना 10, 9 में से 8 गया 1, 174, तो 174 हो गया। अब फिर से 0 लगा देंगे, अब कितनी बारी में जाएगा, अब लगभग जाएगा ये मान के चलो 214 है ना, तो 7 बारी में जाएगा, 7 का 1400 और 14 14 7 84, नहीं बनी बात, तो 8 बारी में चला जाएगा, 8 बारी में चला जाएगा, हाँ, क्योंकि 1600 और 14 8 कितना होता भाई, 14 8 112, तो 2 1 7 1, हाँ ठीक है, तो 8 बारी में चला जाएगा, तो यानी कि कितना आ गया 1.48। और बच्चों आपको पता ही है कि जब डेसिमल के बाद कोई डिजिट 5 या 5 से ज्यादा हो जाती है तो एक शिफ्ट कर देते हैं, तो एक शिफ्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया हमारा 1.5 आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 1.5, करो। इसके बाद मैं करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12, फिर आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये नोट कर लीजिए बस, ठीक है, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके जल्दी से।
चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप फिर खत्म। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10। कह रहा लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। कह रहा है ग्लास से किसमें जा रही भाई? ग्लास से, सॉरी सॉरी, एयर से ग्लास में लाइट जा रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.5, यानी एयर से ग्लास में लाइट जा रही है, एयर से ग्लास में लाइट जा रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। अब कह रहा है कि अगर अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतना है तो बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। चलो भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये हमें दिया हुआ है, कितना? इतना। हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की ये हमें दी गई है, तो कह रहा बताओ ग्लास में कितनी होगी। तो बस बात खत्म। एन ए जी बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? हवा में प्रकाश की चाल बटे में कांच में प्रकाश की चाल। इसकी वैल्यू 1.5 दी है, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ है, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, ग्लास की वैल्यू मान लो एक्स, मुझे नहीं पता। ये इधर मल्टीप्लाई कर, इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई, और ये इस तरीके से क्रॉस करेंगे 1.5x, इसको इससे करेंगे 3 × 10⁸। भाई डेढ़ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, डेढ़ यहाँ पे डिवाइड करेगा। हाँ भाई, कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों कांच में प्रकाश की चाल कितनी आ गई है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डेढ़ का दुगना ही कितना होता है बच्चों? 3 होता है। डेढ़ का दुगना ही कितना होता है? 3 होता है। और सेम क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन नंबर 11 कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर फॉर लाइट गिविंग फ्रॉम एयर इन वाटर टू बी। हाँ लो भाई, एयर से वाटर में जाने पर, एयर से वाटर में जाने पर 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया है। तो कह रहा है कि कह रहा व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। तो कह रहा है कि अगर वाटर टू एयर जाएगा लाइट तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ठीक है जी, हम निकाल लेते हैं। तो पहले स्पीड ऑफ क्या निकालो? स्पीड ऑफ लाइट निकालो। हाँ जी, a n w स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हवा में प्रकाश की चाल बटे में जल में प्रकाश की चाल। तो हवा में प्रकाश की चाल कितनी है? इतनी है। और वाटर में कितनी है? एक्स मान लो, और ये आपको 1.33 दिया हुआ है। एक्स यहां पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, 1.3 इधर आके डिवाइड करेगा, ये 1.33, ये हो गई भाई किसकी स्पीड? वाटर की स्पीड हो गई। किसकी स्पीड हो गई? वाटर की स्पीड हो गई। अब वो बोल रहा है नाउ, अब वो बोल रहा है तो बताओ कह रहा व्हाट विल बी द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। तो कह रहा कि अगर बताओ वाटर से एयर में जाएगा तो क्या होगा, वाटर से एयर में जाएगा तो क्या होगा। तो भाई अब की बार स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऊपर रखेंगे, क्योंकि वाटर से एयर में जा रहा है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर नीचे रखेंगे। तो हाँ जी, स्पीड ऑफ लाइट इन वायर, अभी अभी वाटर क्या क्या निकाला हमने? इतना निकाला हमने, ठीक है, और एयर की स्पीड तो है ही इतनी, ठीक। ये खिसक के नीचे आ जाएगा, तो 3 × 10⁸ अपॉन में 1.33 मल्टीप्लाई में 3 × 10�³। इस पूरे से ये पूरा काट दिया 1 अपॉन, तो यानी क्या हो जाएगा बच्चों? हमें निकालना है वाटर से एयर का 1 अपॉन 1.33। तो यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा? 1 अपॉन 1.33, 1 अपॉन 1.33, ये कंडीशन बनेगी, नोट कर लो, ठीक है। और इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने खत्म कर लिया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, और उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे, और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में ही ये पूरा का पूरा मैं खत्म करा दूं, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, और नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे।